नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टडी में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं लेडर सेफ्टी के बारे में। ये लेडर सेफ्टी क्या होता है, लेडर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, और लेडर का यूज़ करते समय क्या क्या कॉज होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, क्या क्या हैजार्ड्स होते हैं, और लेडर का इंस्पेक्शन हमें कैसे करना है, कब करना है, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लेडर सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन साइड पे बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां पर हमको लेडर का यूज करना पड़ता है। तो जो इंजरी होती हैं वो किन किन कारणों से होती हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। फॉल्स फ्रॉम लेडर्स आर वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ इंजरी इन द कंस्ट्रक्शन ट्रेड। जो भी कंस्ट्रक्शन में साइट होता है तो सबसे ज़्यादा लेडर से गिरने पर ही जो हमारे एक्सीडेंट होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो कि लेडर पे काम करते समय गिरने से होते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द फॉल्स आर कॉज्ड बाई मिसयूज, फॉल्टी लेडर्स और केयरलेसनेस। जो कि ज़्यादातर देखा गया है कि जब भी लेडर पे काम करते समय जब आदमी गिरता है, एक्सीडेंट होता है उससे, तो वो या तो लेडर का मिसयूज कर रहा होता है या फिर गलत तरीके से लेडर को प्लेस किया होता है, इसकी वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। कॉमन कॉजेज ऑफ लेडर इंजरीज। जो लेडर पे काम करते समय इंजरीज होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, वो क्या क्या कॉमन कारण क्या क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इम्प्रॉपरली गेटिंग ऑन और ऑफ द लेडर। जो लेडर का ऑन और ऑफ होता है, जब हम खोलते हैं उसको और बंद करते हैं, तो वो अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा लॉस ऑफ बैलेंस। हम अपना जो लेडर पे चढ़ रहे हैं उसकी वजह से अगर हमारा बैलेंस बिगड़ता है तो हम उससे नीचे गिर सकते हैं। तीसरा हमारा सेटिंग अप द लेडर इम्प्रॉपरली, या फिर हमने जो सीढ़ी लगाई हुई है, जो लेडर लगाया हुआ है, उसको गलत तरीके से सेट किया हुआ है। ओवर रीचिंग वाइल ऑन द लेडर। जब भी हम लेडर पे काम कर रहे हैं तो हम लेडर से दूर रखी हुई चीज़ को अगर पकड़ के काम करना चाहते हैं या फिर हमें किसी चीज़ से उठाना है, तो ओवर रीचिंग जब भी करते हैं उस समय एक्सीडेंट के भी चांसेस होते हैं, ये भी एक कारण है। मिस स्टेपिंग और स्लिपिंग वाइल क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग। जब भी हम चढ़ते हैं सीढ़ी पर या सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, तो या तो हम स्टेप को मिस कर देते हैं, इसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, या फिर हम अगर मान लो कि शूज पहन के चढ़ रहे हैं, या फिर हमारी जो रंग्स होती हैं उनमें ग्रीस वगैरह है, ऑयल वगैरह है, अगर वो स्लिपी है तो इससे भी स्लिप होके एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये है जो कुछ कारण हैं। उसके अलावा भी कौन कौन से कारण हैं, इसके बारे में भी देखते हैं। लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन सेफ लेडर यूज़। आपको सही तरीके से लेडर कैसे यूज़ करना है उसके बारे में आपको ट्रेनिंग नहीं है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। यूजिंग द रॉन्ग टाइप लेडर फॉर द जॉब। आपको क्या काम करना है, किस काम में किस टाइप की सीढ़ी का यूज़ करना है, अगर आपको ये पता नहीं है उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। एक्सीडिंग द लेडर वेट कैपेसिटी। आप जो कैपेसिटी होती है लेडर की, मैन्युफैक्चरिंग द्वारा जो कैपेसिटी दी जाती है, अगर उससे आप ज़्यादा उस पर कैपेसिटी रखेंगे, उस पर ज़्यादा वजन रखेंगे, तो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। क्लाइंबिंग लेडर विथ टूल्स और मटेरियल इन हैंड्स। अगर आप लेडर पे, अगर आप सीढ़ी पे चढ़ते समय अपने हाथों में कुछ टूल्स हैं, कुछ मटेरियल है, अगर वो लेके चलेंगे तो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। उसके बाद क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग नॉट फेसिंग द लेडर। जब भी आप चढ़ उतर रहे हैं, अगर आपका सीढ़ी की तरफ फेस नहीं है, आप फेस आगे की तरफ किए हुए हैं, सीढ़ी के अपोजिट किए हुए हैं, तो भी आपको एक्सीडेंट होने का या फिर सीढ़ी से गिरने का खतरा है। उसके अलावा ऑयल ग्रीस और मड ऑन लेडर रंग्स। जो रंग्स होती हैं उसकी, जो स्टेप होते हैं, अगर आप उस पर ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है, उससे भी फिसलने से एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। उसके बाद लेडर नॉट सिक्योर एट द बेस और टॉप। जब भी हम लेडर यूज़ करते हैं तो हमें उसके बेस पे और उसके टॉप पे, आगे हम वीडियो में देखेंगे, फोटो के माध्यम से जानेंगे, जो हमारा बेस होता है और जो टॉप होता है उसको अच्छे से हमको बांध के रखना है, सिक्योर करके रखना है। लेडर नॉट सेट अप एट द प्रॉपर एंगल। जो लेडर यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर एंगल में अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो भी लेडर से एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। लेडर नॉट एक्सटेंडेड 3 फीट अबव अपर सरफेस। जो हमारा अपर पॉइंट होता है वो 3 फीट ऊपर निकलना होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो वहाँ से भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। यूजिंग द टॉप स्टेप ऑफ ए स्टेप लेडर। जब भी हम सीढ़ी यूज़ कर रहे हैं तो उसके टॉप पे बैठ के हमको कभी यूज़
नहीं करना है या टॉप पे खड़े होकर हमको यूज़ नहीं करना है। प्लेसिंग लेडर ऑन अनस्टेबल सरफेस, जो सरफेस होती है अगर वो अनस्टेबल है, ऊंचा नीचा है, अगर वहाँ पे आपने प्लेस कर दी है सीढ़ी को, तो उससे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कीप लेडर इन ए गुड कंडीशन। हमको जो लेडर है उसको अच्छी कंडीशन में रखना है, तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कैसे जानेंगे कि वो गुड कंडीशन में है कि नहीं है? तो हमको कुछ जो नीचे लिखी हुई चीज़ें हैं इनको अच्छे से जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको इंश्योर करनी है। सबसे पहले रंग्स, क्लीट्स और स्टेप आर नॉट बेंट, ब्रोकन और मिसिंग। जो हमारे जो स्टेप हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये प्रॉपरली देख लेना है इनको, कहीं टूटे हुए तो नहीं है, बेंट तो नहीं है या फिर मिस तो नहीं है, इनको चेक करना है जब भी आप लेडर यूज करते हैं उससे पहले। उसके बाद सेकेंड है हमारा, ऑल बोल्ट्स एंड ड्राइवर्स आर इन प्लेस एंड सिक्योरली टाइटन। जो भी हमारे बोल्ट्स लगे हुए हैं वो प्रॉपरली टाइट हैं कि नहीं हैं, अपने प्लेस पे हैं, अपनी जगह पे अच्छे से फिट हैं कि नहीं हैं, ये चीज़ें चेक कर लेनी है। उसके बाद जॉइंट बिटवीन द साइड रेल्स एंड द इंडिविजुअल रंग्स स्टेप इज टाइट। ये जो साइड रेल्स है इसके साथ में ही इसको चेक कर लेना है कि जो स्टेप हैं ये प्रॉपरली टाइट हैं कि नहीं है। उसके बाद हार्डवेयर एंड फिटिंग्स आर सिक्योरली अटैच्ड एंड वर्किंग प्रॉपरली। जो भी उसकी फिटिंग्स हैं वो प्रॉपरली अटैच हैं और प्रॉपरली वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये हमको चेक कर लेना है। उसके बाद मेटल कंपोनेंट्स आर नॉट कोरोडेड। जो भी मेटल के कंपोनेंट्स हैं उनको चेक कर लेना है, वो कहीं जंग तो नहीं लगी हुई है उसमें। उसके बाद नो अदर फॉल्टी और डिफेक्टिव कंपोनेंट्स एग्जिस्ट। कोई भी और भी कंपोनेंट्स हैं वो फॉल्टी नहीं होने चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए, इस बारे में हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं इंस्पेक्ट लेडर बिफोर यूज़। जब भी हम लेडर पे काम कर रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको उसका इंस्पेक्शन करना है। तो क्या क्या चीज़ें देखनी है, हमने पॉइंट्स के माध्यम से आपको पिछली स्लाइड में बताया है, इस स्लाइड में हम फोटो के माध्यम से देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे आप अच्छे से समझ जाएंगे। लुक फॉर क्रैक, स्प्लिट्स, डेंट्स, बेंड, कोरोजन एंड मिसिंग हार्डवेयर। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्रैक है थोड़ा सा, इसको आप भी चेक कर लेना है। अगर ऐसी कंडीशन में आपकी लेडर है तो आपको उसका यूज नहीं करना है। ये देखिए आप, ये आप देख लीजिए, एसी कंडीशन में है तो भी आपको यूज नहीं करना है, इस कंडीशन में है आपका तो भी आपको यूज नहीं करना है। ये आपका देखिए यहाँ पे टूटा हुआ है, अगर ऐसा स्टेप आपका जो भी आपकी रंग्स है अगर ऐसे इस कंडीशन में है तो भी आपको इसका यूज नहीं करना है। और इसका देखिए आप, ये बोल्ट की जगह, नट बोल्ट की जगह शायद इसमें टेप लगाया हुआ है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो भी आपको लेडर का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेटिंग अप एक्सटेंशन लेडर। जो हम लेडर यूज कर रहे हैं उसका नीचे जो बेस हो, वो बेस सरफेस जो होती है वो प्रॉपर लेवल में होना चाहिए। तो देखते हैं, प्लेस लेडर बेस ऑन ए फर्म लेवल सरफेस विद सिक्योर फुटिंग। अच्छे से लेवल होना चाहिए उसका। इस फोटो में देख सकते हैं आप, ये देखिए लकड़ी के गुटके लगाए हुए हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं होना है, ऐसे करके आपको सेट नहीं करना है। डोंट प्लेस ए लेडर और अनस्टेबल फुटिंग और सॉफ्ट ग्राउंड। कोई भी जो भी सॉफ्ट ग्राउंड है हमारा, उस पर हमको लेडर यूज नहीं करना है। हो सकता है मिट्टी दबने से, मिट्टी धंसने से आपका, जब आप लेडर पे काम करेंगे तो आप एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। एज द लेडर सिंक्स इनटू द ग्राउंड और स्लिप फ्रॉम वेयर इट इज पोजिशन, इट बिकम वेरी अनस्टेबल। नेक्स्ट देख लेते हैं सेटिंग अप एक्सटेंशन लेडर। जब भी हम लेडर का यूज कर रहे हैं तो हमको ध्यान देना है, जब भी हम लेडर यूज़ कर रहे हैं तो लेडर की जो एंगल होता है उस एंगल को ध्यान रखना है आपको। जो दीवार होती है, दीवार से 1 मीटर दूर पे आपको, यहाँ पे देखिए फोटो के माध्यम से, 1 मीटर यहाँ पे दूर होना चाहिए। और इस जो यहाँ पे अपर बेस है इसका, यहाँ से जहाँ पे आप लैंड करने वाले होते हैं, जहाँ से आप उतरते हैं, जहाँ पे आप रेस्ट लेने वाले होते हैं, वहाँ से 1 मीटर ऊपर हाइट में, देखिए इस फोटो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से यहाँ पे आप रेस्ट करेंगे, ये आपकी वर्किंग प्लेटफॉर्म हो सकती है। यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से अगर मान लो आपको इसके ऊपर से उतरना हो या चढ़ना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हाइट 1 मीटर होनी चाहिए और इसका एंगल इस दीवार से 1 मीटर आप दूर रखेंगे तो एंगल बनेगा अच्छे से। व्हेन क्लाइंबिंग लेडर यू मस्ट हैव बोथ हैंड फ्री एंड फेस द लेडर, दिस अलाउज फॉर 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट विद द लेडर एट ऑल टाइम्स एंड रिड्यूस द चांस ऑफ फॉलिंग। द 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट इज 2 हैंड्स एंड 1 फुट और 1 हैंड्स एंड 2 फिट। जब भी आप
लेडर पे चढ़ रहे हैं तो आप इंश्योर करें कि जो 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है वो आपका रहना चाहिए, या तो दो हाथ एक पैर, या फिर दो पैर एक हाथ आपका हमेशा सीढ़ी को पकड़ के रखे हुए होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं ओवर रीचिंग फ्रॉम द साइड्स। देख सकते हैं आप फोटो के माध्यम से, अगर आप ऐसे करेंगे ओवर रीचिंग, अब देखिए ये वहाँ से, यहाँ से जो वहाँ पे इतनी दूर रखी हुई है कुछ किसी मटेरियल को उठाने की कोशिश करेंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। अगर आप ये करेंगे तो रिजल्ट में आपको ये मिलेगा और आपके अच्छी खासी इंजरी हो सकती है, हो सकता है फैटल भी हो जाए, तो आपको ये नहीं करना है जब भी आप लेडर पे काम कर रहे हैं। अब देख लेते हैं सेफ लेडर प्रैक्टिस क्या है। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि कॉमन कॉज क्या होते हैं, क्या करने से इंजरी हो सकती है, क्या करने से एक्सीडेंट हो सकते हैं। अब देखते हैं सेफ लेडर प्रैक्टिस क्या है, हमको क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों पे और भी ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला है यूज ए लेडर ओनली वेन यू आर मेंटली अलर्ट एंड फिजिकली एबल। जब भी आप काम करने के लिए मेंटली फिट हों, फिजिकल स्वस्थ हों, आप आपकी तबीयत ठीक हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, आप तभी लेडर पे काम करें। सेकेंड हमारा है होल्ड द लेडर विद वन हैंड वाइल वर्किंग विद द अदर। जब भी आप लेडर पे काम कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि एक हाथ से आपको लेडर को पकड़ के रखना है जब भी आप दूसरे हाथ से कुछ काम कर रहे हैं। डोंट हरी और स्किप रंग्स स्टेप्स व्हेन यूजिंग द लेडर। आप लेडर पे चढ़ते समय जल्दबाजी ना करें, आपको कोई भी जो रंग्स हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको स्किप नहीं करना है कि एक छोड़ के आप दूसरे पे रख दें। जब भी आप लेडर पे काम करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद डोंट टेस्ट ए लेडर बाई जंपिंग ऑन इट। जब भी आप लेडर पे काम कर रहे हैं तो आपको काम कर रहे हैं ऊपर से आपको जंप करके उस पर जो जंप करते हैं खड़े होके, वो आपको इस हिसाब से टेस्ट नहीं करना है, जंप नहीं करनी है उस पर। उसके बाद डोंट यूज एनी लेडर दैट हैज़ बीन एक्सपोज टू फायर और अदर स्ट्रॉन्ग केमिकल। आप ऐसे किसी भी लेडर का यूज मत करिए जो कि हो सकता है जब आग लगी हो उसमें आग में हीट हो गया हो या फिर कोई केमिकल उस पर गिरा हो, ऐसे लेडर को आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद प्रोटेक्ट लेडर फ्रॉम एनवायरमेंटल एलिमेंट सच एस एक्सेसिव हीट और कोल्ड। आपको एनवायरमेंटल जो एलिमेंट्स हैं हमारे, उनसे आपको बचाना है, लेडर को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा सर्दी में नहीं रखना है उसको, इन चीज़ों से भी अपने जो लेडर यूज़ करते हैं उस लेडर को बचाना है। डोंट ड्रॉप और थ्रो लेडर्स। आपको कभी भी लेडर को फेंकना नहीं है, इधर उधर गिराना नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनके माध्यम से आप जो लेडर का है वो कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में जान लेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।